कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणी की है। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि जब बलात्कार को रोका नहीं जा सकता तो लेटिए और मजे लीजिए। हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस विधायक की इस अभद्र टिप्पणी पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी आपत्ति जताने के बजाय इस पर ठहाके लगाकर हंसते नजर आए। दरअसल कर्नाटक में आई बाढ़ और उससे फसलों को हुए नुकसान को लेकर विधायक चर्चा और बहस की मांग कर रहे थे। विधानसभा में इसे लेकर जोरदार हंगामा हो गया था। स्पीकर ने विधायकों को समझाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। इसके बाद स्पीकर हेगड़े ने कहा, रमेश कुमार आप जानते हैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे स्थिति को एंजॉय करना चाहिए। मैंने तय किया है कि अब मैं किसी को भी रोकने और स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं करूंगा, आप लोग चर्चा करिए। इस पर कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने कहा, एक पुरानी कहावत है, जब बलात्कार को रोक नहीं सकते तो लेटिए और मजे लीजिए। अभी आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। रमेश कुमार इस विवादित टिप्पणी पर अब बुरी तरह घिर गए हैं। उनकी ही पार्टी की महिला विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर अंजलि निम्बालकर ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर कर उन्होंने सदन से महिलाओं से माफी मांगने की मांग की है। एक और कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है, माफी मांगने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।